बहुत चीज़ों से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, दूध से भगवान का अभिषेक किया जाता है। जिनका ऑफिस फैल हो रहा है, कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, स्टाफ गड़बड़ी कर रहा है, तो दुग्ध दूध से भगवान को स्नान कराएं। वंश वृद्धि के लिए तो यह है ही, लेकिन आपके कारोबार के लिए भी ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। आपकी कथा में आएगा मन की शांति के लिए जल से भगवान का महाअभिषेक करें। बहुत बड़ी संपदा प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करें। बाजार में पैसा मारा गया है और कैसे भी आ नहीं रहा है, और घर में ऐसी कोई नारी है जिसके गर्भ में संतान समाप्त हो जाती है, वंश वृद्धि रुक पड़ी है, तो दूध में शुद्ध देसी घी मिला करके भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, वंश वृद्धि बढ़ जाएगी। एक बार इस बात को फिर रिपीट करूँगा, ये बड़े आनंद की बात है और बड़ी अद्भुत बात है। वंश वृद्धि के लिए आप गौ माता का कच्चा दूध लीजिए और उसमें घी मिलाइए, घृत मिलाइए, फिर उसके द्वारा आप भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। ये वंश वृद्धि के लिए किसी वरदान से ये बिल्कुल भी कम नहीं है। और जिन पत पत्नी में बनती नहीं है, झगड़े ज़्यादा होते हैं, जल में इत्र डालिए और कुछ भी नहीं, पानी, दूध भी नहीं और कुछ भी नहीं, पानी में सिर्फ इत्र, जल में इत्र डालकर, या कोई स्त्री आपकी के घर में आने वाली कोई पुत्र वधु, आजकल बहुएं धमकी भी तो हाल दे देती हैं, ससुराल में बनती नहीं है, पड़ती नहीं है, महीना दो महीना भी नहीं होता वो अटैची थैला लेकर के सीधे पियर जाकर के बैठ जाती है। या आपकी बेटी ससुराल में बहुत दिक्कत परेशानी में है और वहाँ के लोग अनुकूल नहीं हैं, बेटी के अनुकूल नहीं हैं, तो ये बड़ा सुंदर लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन किया गया है। सावन के महीने में जल में आप इत्र डाल करके भगवान शंकर का अभिषेक करें, दाम्पत्य जीवन सुखद हो जाए।